आखिरी रन हो गया इन ब्लैंकेट पिलो का इस गाड़ी के अंदर। कार्ड के दिया, अभी इंटीरियर दिखा दो एक बार, थोड़ा सा बता तू लोगों को यार। गरीब रन फुल पावर, वो गई भाई पटना तेजस पैरेलल देखने को मिला। कमेंट करके बताइए आपको ग्रीन वाली गरीब का अच्छी लगती थी या फिर रेड वाली। हाँ ये बता दे भाई साहब, टिंकर टिंकर लेकर आए भाई। हाँ जी की मैं जी सारे सत श्रीकाल नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज इंडियन रेलवे के लिए स्पेशली भाई आम जनता के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज भाई ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये भाई गरीब रथ, पुरानी गरीब रथ। आज मैंने सोचा क्यों ना भाई इंट्रो लिया जाए अपनी इस गरीब रथ के साथ ही। आप सोचोगे पुरानी मतलब, क्योंकि आज से भाई इंडियन रेलवे जो नॉर्दर्न रेलवे में नो गरीब रथ है ना, सबको एलएचबी करने जा रही है। लेकिन सबसे पहला नंबर है वो ये पीछे देख सकते हैं, ट्रेन नंबर 22406 आनंद विहार से चलकर भागलपुर के बीच में चलने वाली पहली जो गरीब रथ है वो आज ही एलएचबी होगी। तो आज आपको भाई पूरी यात्रा मतलब जितना होगा ट्रैवल करके पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे, सारा इंटीरियर दिखाएंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं आप सबके लिए वो दिखाएंगे। चलिए एक बार ऐसा करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंदर आपको इसका भी इंटीरियर दिखाते हैं, हमारी नई गाड़ी आएगी चमकती नई नवेली दुल्हन को भी दिखाएंगे। ये आई है अपनी भागलपुर से ही और मुझे नहीं पता अंदर कैसा इंटीरियर है, बट मैंने सोचा एक बार आपको पुरानी गाड़ी भाई आज शायद आखिरी रन ही है इसका, तो देख लो भाई एक बार 1x में दिखा देते हैं ऐसा कुछ इसका इंटीरियर। अभी थोड़ी सी गंदी है लेकिन ऐसा कुछ इंटीरियर होता है। और यहाँ पर देख लो मिडल वाली बर्थ होती है इसको भाई, अब बहुत सब लोग भाई याद करने वाले मिस करने वाले हैं। उसका इंटीरियर बिल्कुल अलग होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख लो भाई ऐसा कुछ है, काफी बढ़िया यार। लेकिन अभी पूरा बंद है, गर्मी बहुत है अंदर, तो बाहर ही चलते हैं। बट एक बार मैंने सोचा आपको आखिरी जो लम्हे है ना वो आपको एक बार दिखाया जाए। देख लो आपके ठीक सामने यहाँ पर भाई ये गरीब रथ का जो भी बेडिंग है ना वो बाहर निकाल दी है, क्योंकि ब्लैंकेट देख लो आपको पता है बाहर कभी निकलते नहीं है, लेकिन ये पिल्लो ब्लैंकेट सब बाहर निकला हुआ है। इट मीन्स भाई ये आखिरी रन हो गया इन ब्लैंकेट पिल्लो का इस गाड़ी के अंदर। अब नई गाड़ी लगेगी जब भी अपना अराइवल होगा, अभी तो टाइम बहुत है 3 बजे अभी तो जैसे आएगा आपको दिखाएंगे। आज आपको भाई जर्नी करके एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, और जितना स्टाफ है उनसे भी पूछेंगे कि उनको पुरानी वाली में मजा आता था या नई वाली अपग्रेड हुआ है उसमें मजा आने वाला है। देख लो हम जा रहे हैं अंडरपास बना हुआ इधर, तो यहाँ पर देख लो सब लोग इधर से जा रहे हैं और वो काफी अच्छा दिया हुआ यार, मतलब मुझे ये अच्छा लगा। और ये देख लो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। भाई देख लो मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, अभी अपनी गाड़ी नहीं आई है, ये पुरानी वाली उधर ही खड़ी है और अभी जैसे आएगी आपको अराइवल दिखाते हैं। हालांकि मेरा जो कोच है ना वो होने वाला है बिल्कुल आगे वाली तरफ, बाकी आज मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा, अपने साथ है गौरव भाई। क्या हाल चाल गौरव भाई? बहुत गुड, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड हो नई जर्नी के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिल्कुल क्या बताऊँ, नई गरीब रथ को देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूँ। लोग मेरे को भी मिले, दो चार अपने फैमिली मेंबर भी थे, वेटिंग एरिया में बैठा था, वो बोलते कि यार गरीब रथ तो ये है, मैं कहा नहीं नई वाली आ रही है। कह रहे यार मतलब मैं तो सौभाग्य लकी हूँ, मैं कहा भाई ऐसा ही है। तो आपको दिखाते हैं जैसे गाड़ी आती है, बाकी गर्मी अभी फिलहाल दिल्ली में बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आ रहे हैं तो भाई ध्यान रखें, गर्मी से ध्यान रखें। और एक चीज मैं आपको और अपडेट दूंगा कि ये जो गरीब रथ है ना इसमें कोचेज भी बढ़ाए गए हैं, क्या फेयर है, क्या फेयर बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि फेयर भी इंक्रीज की है, तो वो आगे वीडियो देखते रहो, आपको अपडेट दे देंगे। स्टार्टिंग पे आ चुके हैं क्योंकि कोच आने वाला हमारा बिल्कुल इधर, और ये जा रही है भाई मऊ आनंद विहार सुपर फास्ट। आपने इसमें ट्रैवल किया हुआ है? मैंने ट्रैवल किया, इसमें बहुत बढ़िया गाड़ी है ना, नाम सुना हुआ है काफी इसका, अच्छा गाड़ी है। और चलो भाई यहीं से अराइवल देखेंगे, आपको दिखाएंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, गंदगी ना करें अगर आप स्टेशन पे है ना, मैं देख रहा हूँ काफी लोग, ये देखो इसने भी थूक दिया, थूक रहे हैं और सामान खा पी के बोटल्स और पानी का गिलास वो यहाँ पर फेंक रहे, तो प्लीज यार सफाई का मेंटेन करके ना, देखो अपने हाथ में ही और नई गाड़ी आ रही है भाई, किसी ने गंदगी मचाई ना, मैं तो कहता रेलवे फाइन ठोको इन पे। देख लो भाई उसकी जाने की तैयारी और सामने अपनी गाड़ी आ चुकी है, वो देख लो वो आ गई अपनी भाई 6 नंबर पे। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब पुरानी वाली गरीब रथ को लेके जाया जा रहा है, शंटिंग इसकी हो रही है। आई एम नॉट श्योर भाई अब इधर इसका कहाँ यूज होगा कैसे होगा, बट वो देख लो सामने आ चुके भाई हमारी नई नवेली गरीब रथ एक्सप्रेस LHB 3rd AC इकोनॉमी कोच के साथ। मैं बिल्कुल आगे आगे आ गया हूँ और आपको इंटीरियर भी दिखाएंगे, काफी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे, तो Web 5 चलेगा भाई। और ये देख लो वाव यार, अभी बोर्ड भी नहीं लगा, देखते हैं बोर्ड लगाएंगे तो कोच अपना वो रहा, और लेट्स गो अंदर चलते हैं भाई। अभी तो गेट ओपन नहीं हुए, मैंने आपको पहले ही बोला था इतनी ज्यादा डिमांड है इस गाड़ी की, देखो लोग अपने आप इधर उधर से चल रहे, कुछ ऑफिशियल से हैं लोग, और यहाँ पर अभी गेट ओपन होएंगे आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। वो हावड़ा राजधानी जा रही है पक्की बात है, जहाँ तक मुझे लग रहा है
जी हाँ भाई, हावड़ा राजधानी, वो देख लो वो चलेगी। बैंड बज गई है, कुछ नहीं अंदर घुसने की जगह है, पूरी गाड़ी पैक है हमारा, तो कोच ही नहीं ओपन कर रहे यार। जीवन कोच है बहुत, जाके जैसे जैसे करके अंदर चलते हैं, और आपको एक बार इंटीरियर तो दिखाना ही है भाई। ये देख लो, ये गेट, वो वाला गेट खोल दिया भाई फाइनली। चलो भाई, हो फाइनली अपने कोच में आ गए हैं भाई, पूरा स्ट्रगल है इधर घुसने का, जगह ही नहीं है भाई। चलो जैसे जैसे करके निकले एक बार अपनी सीट पे भाई साहब। टैंकर लेकर आए हैं भाई, थोड़ा थोड़ा जगह दे दो भाई मेरे, थोड़ा थोड़ा। फाइनली जाकर जैसे तैसे करके आई गए हैं, सीट अपनी उधर है, बट ये थोड़ा सा खाली है, अदरवाइज तो भाई पैर रखने की जगह नहीं। वो देख लो बीच में पूरा पैसेज भरा हुआ है, तो आपको नई गाड़ी का इंटीरियर दिखा देते हैं। तो इकोनॉमी कोच है, वैसे मैं बता दूं 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन है, लोअर मिडल अपर। मेन जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है, इसमें साइड लोअर है, आपको साइड मिडल जो होती थी ना पुरानी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वो नहीं है, वो टेंशन कम हो गई है, और अदरवाइज ये अपर है। हाँ, ये वाली सीट से बहुत होती थी, वो अच्छा किया रेलवे ने। बाकी जैसे जैसे करके एक बार भाई अपना लगेज तो देखो, थोड़ा सा ही है लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी थी यार। जैसे जैसे करके अंदर आए, हाँ जी सही हो गया, ये मीटर वाला हट गया, लेकिन जगह कम है चलने के लिए ना बहुत। चलो उससे सही लगा आपको? चलो भैया ने पहला इंप्रेशन बता दिया, उससे बढ़िया लगा। यहीं बैठूंगा मैं एक बार, जितनी सी जगह मिल रही है, मेरी सीट तो थोड़ी सी आगे है, लेकिन एक बार सारे लोग बैठ जाएं, क्योंकि टाइम हमारा डिपार्चर का सिर्फ 4 मिनट, और अभी लोग भाई बैठे भी नहीं डिपार्चर लेने। लेकिन भाई आप क्या कहोगे, लगेज कितना लेकर आए भाई, गट्टे समझ से बाहर है भाई, ऊपर पूरे सीटें सब भरा हुआ है भाई। फाइनली जाकर हमारी ये वाली सीट एक है साइड अपर, और एक ये लोअर सीट। बस यहाँ पर इतना ज्यादा रश है गाड़ी में, मेरे तो लग रहा है लोग टोटल जो सीट है उससे ज्यादा तो लोग लिख रहे हैं मेरे को इसके अंदर। कहीं होगी तो अभी कंफर्म भी नहीं हुई है, ऑब्वियसली बात है। 350 वेटिंग लगा था इसमें भाई। भाई कैसा लगा लेकिन कोच? भाई कोच जब मैं कवर करके, वो नया कोच है, ब्रांड न्यू कोच है वो। अच्छा, लेकिन पब्लिक को समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हफड़ा तफड़ी वो वाला कोच थोड़ा उल्ट दिया हुआ है, लेकिन भाई इतना ज्यादा रश है भाई, सब लोग ना जो गेट पे खड़े, आपको ट्रेन निकलने में दिखाऊंगा पूरी वेटिंग। लेकिन इसमें एज कम्पेयर टोटल कितनी सीट है इसमें? 83 ओल्ड वाली में थे 78, इसमें 83 सीट्स है। ऑलरेडी हमारा येलो है, आपको दिख रहा होगा सामने, और टाइम देख लो भाई 5:20 का हमारा डिपार्चर था, 5:23 हो गए, अभी भी सामान वान रखा जा रहा है, बस आई गेस विद इन 1 or 2 मिनट्स में हमारा डिपार्चर हो जाएगा। ओके टेक केयर भाई, मिलते हैं आराम से। चलिए भाई फाइनली जाकर डिपार्चर हो चुका है अपना, बाय बाय। अच्छी है भाई लेकिन रश बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा रश है। ओके टेक केयर। अपने सारे भाई लोग आए थे इस गाड़ी को पहला रन है कवर करने के लिए, और आई एम नॉट श्योर भाई यहाँ से अभी पटना तेजस राजधानी निकल के क्या शायद निकली है, निकली वो देखते हैं, लेकिन पैरेलल थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी अंदर नहीं जाएंगे, अभी बाहर ही खड़ेंगे। तो भाई फाइनली जाकर आई गए, सेटलमेंट हो गई है, फिर भी आपको एक बार अच्छे से इंटीरियर दिखाऊंगा, बट सबसे पहले वेट कर रहे हैं पटना तेजस निकलेगी यहाँ से, शायद हमें ओटी मारेगी, शायद नहीं मोस्टली मारने वाली है, अपने को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है फिलहाल के लिए। तो भाई देखो जिस चीज का वेट था, पैलर में आ रही है पटना तेजस, आय हाय हाय क्या बात है, आजा 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 आजा, इतना ना हॉर्न मार, आजा आजा आजा, हमें पता तूने ओवरटेक मारना है। ग्रीन दे रखा यार। नहीं और वो निकली भाई हमारी, वो देख लो भाई, वो गई भाई पटना तेजस, पैरेलल देखने को मिला, आय हाय क्या ही बात है, मजा आ गया ना, जिस चीज का वेट कर रहे थे हम फाइनली जाकर देखने को मिले। ऑलरेडी मैं इसमें जर्नी कर चुका हूँ फर्स्ट एसी में, चैनल पे लाइव है, जाकर जरूर देखना। चलो भाई एक तो भाई पैरेलल हमारे को ओवरटेक वो करने की जा रही है, वो तो देखने को मिल ही गया, तो आगे आगे भाई थोड़ी सी पैरेलल रेस देखने को मिली है, लेकिन हाथ नहीं आने वाली इतना गारंटी है मेरी, वो है भाई पटना तेजस राजधानी, और ये है हमारी नई नवेली गरीब रथ, तो पॉसिबल तो नहीं लग रहा भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लोज आए हैं हम। अपने भाई हैं, अपने फैमिली मेम्बर, क्या नाम है आपका भैया? अंकित भाई, तो आप बताओ आपको पहला रिएक्शन ये जो नया कोच देख के गरीब रथ चेंज हुई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या आपको मेन डिफरेंस लगा? ये मिडिल वर दिया ना, हाँ जी हाँ जी, मिडिल हटा दिया बहुत अच्छा किया, जो साइड मिडिल दी ना वो साइड मिडिल हटा दिया बहुत अच्छा किया, वो अच्छा हो गया ना, मतलब कंफर्टेबल, अभी सिर नहीं लगेगा आराम से, ये बैठ के रील देख सकते हैं। सही है, वीडियो कैसी लगती है? बहुत अच्छी, अच्छा लगता है। कहाँ से हैं वैसे आप? हम बिहार से। अच्छा बिहार से ही है,
काफी लोग अभी साहिबाबाद में गाड़ी पहुंची है, देखो चलती भी चल रहे हैं, कोई भी इसका हॉल्ट नहीं है। ये भाई ऐसा काम ना करें भाई, ये देखो हॉल्ट नहीं है फिर भी चढ़ रहे हैं भाई, प्लीज ऐसा ना करें जो भी ट्रैवल कर रहा है। देख लो भाई सामने जा रही है हमारी RRTS NCRTC वाली, हो गई वो देखो। काले वाला बैग आपके है और ये वाला दोनों आपके है? चलो फिर खड़े हो जाओ, कोई नहीं बैठ जाओ आराम से भाई, खड़े बैठे तो दो ना, सुबह दिन में सोना अलाउड नहीं इसलिए कह रहा हूँ, दिन में सोना अलाउड नहीं है। नीचे वाली पे नहीं, ऊपर वाले पे सो जो सोना है, तो बैठने तो दो ना सबको, ऊपर वाला भाई का सीट है तो बैठ बैठने तो दो ना, आप भी पैर ऐसे करके बैठे हो बताओ। कोई नहीं बैठ जाओ, ये देखो आपका बैग गिर रहा है आप यार भाई, ये बैग है काम करो ना, अपनी नीचे बैग बैग नीचे कितनी स्पेस है वहाँ डाल दो यार, बार सारा भरा पड़ा है, पैर एक पैर पे खड़े लोग अब बैठ रहे हैं, थोड़ा बैठने देते हैं, मिल बांट के चल लेते हैं ठीक है, ओके ओके कोई ना रोके ठीक है। कल मीटिंग में 1700 रुपए, चलो भाई आपको इंटीरियर एक बार 1370 रुपए का टिकट है भाई साहब, 300 रुपए मैंने बोले फालतू दूंगा टिकट के, मैंने काट के दिया। अभी इंटीरियर दिखा दो एक बार, थोड़ा सा बता दो लोगों को यार। तो भाई यहाँ पर देख लो तीन तीन का सीट है, और ना खास बात बता दो मैं आपको, यहाँ पर देख लो हर एक सीट पे आपको लाइट देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर ये वाटर बॉटल होल्डर दिख रहा है, ये मोबाइल होल्डर है, तो ये चीज है भाई संभाल कर रखना प्लीज। USB चार्जिंग भी के लिए भी दिया हुआ है, हर एक के लिए चार्जिंग पॉइंट है, इधर भी है, और नीचे देखो मोबाइल मतलब वाटर बॉटल होल्डर है, तो प्लीज भाई खराब ना करना, नई चीज है संभाल के रखना, अपनी चीज समझ के, बस इतना मैं बोलूंगा। यहाँ पर मिरर मिल जाएगा, ये विंडो ब्लाइंड के लिए, इसको नीचे करेंगे अपना मतलब विंडो ब्लाइंड हो जाती है भाई, पूरा फन में आज कोई टेंशन नहीं है। ये साइड लोवर होगी, और सब लोग कह रहे थे साइड मिडल वाली हटी, तो वो अच्छा सबसे अच्छा उनको यही लगा, लेकिन देखो एज कम्पेयर कहूंगा बैठने पे मतलब ढंग से बैठेंगे थोड़ा सा कंजेस्टेड तो रहेगा, क्यों सर बिल्कुल ना, बाकी ठीक है, ये जो हटी है ना ये बेस्ट हो गया, बीच वाली हटी ना है ना बढ़िया। अभी अपनी गाड़ी चल रही है बिल्कुल धीरे 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 धीरे, अभी तो भाई गाजियाबाद भी नहीं आया है, बट ठीक है एनीवेज। लेकिन आपको एक बार मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ जो जो चेंजेस हुए हैं, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन ठीक है मेरा तो फर्ज बनता है ना भाई, नई वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाया जाए। इस गरीब रथ में आपको पूरे के पूरे ऐसे कोच आपको देखने को मिलेंगे, थर्ड AC इकोनॉमी के कोच हैं इसमें, पूरी फुली AC ट्रेन है, 20 कोचेज हैं, और जो मैं आपको बता रहा था ना देख लो, यहाँ पर हैंड वॉश करना है तो आपको यहाँ से टैप करना पड़ेगा नीचे से, ठीक है इधर से टैप करेंगे फिर यहाँ से पानी आएगा। कोचिस ओल्ड है मतलब नई चलाई है, लेकिन कोचिस है ना वो ये ओल्ड ही इसमें यूज किए गए 2022 के 21 के जो कोचिस हैं, और वॉशरूम अभी सब ऑक्यूपाइड है इसलिए मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप खुद देखो भाई कितना रश है यहाँ पर, काफी लोग बैठे हुए वेटिंग है। अब क्या कर सकते हैं, काउंटर टिकट है तो काउंटर टिकट अलाउड है, अगर आप ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा इसे। चलिए भाई अभी हम गाजियाबाद स्किप करने वाले हैं, अब पकड़िए रफ्तार थोड़ी सी, गाजियाबाद हम मतलब स्किप कर रहे हैं, लेकिन अभी तो रेड सिग्नल है मोस्टली, नहीं येलो है सिंगल येलो, और राम राम से हम स्किप कर ही लेंगे। मैं आपको बता रहा था ना ये कोच तो 2022 में बने हैं, तो भाई अंदर आया तो देख लो ये आ गया भाई शशांक भाई, क्या हाल चाल, ऑल गुड, कैसा लगा भाई? बिहार की ट्रेन और रश तो भाई बहुत ज्यादा है, एक सीट खाली नहीं है बल्कि दो कोच एक्स्ट्रा लगे हैं, हाँ फिर भी पूरी पैक है, और बाहर हर गेट पे लोग बैठे हैं, 450 वेटिंग थी लगभग, हाँ लगभग भाई। आदित्य भाई भी क्या हाल चाल, नहीं निकला भाई कुछ भी नहीं निकलेगा, और आपको एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि भाई अब देखेंगे हम फिर अलीगढ़ तक तो हम वॉशरूम नहीं जाएंगे देखने, अलीगढ़ में देखेंगे कि क्या सिचुएशन कंडीशन, लेकिन मैंने दिखा दिया है दिल्ली तो भाई एक नंबर, मतलब ऐसा लग रहा है ना 2-3 दिन पहले फैक्ट्री से निकल के आए, कुछ अच्छा साफ था बिल्कुल भाई, अब देखो मेन बात होती है हमारे हाथ में हम कितना साफ है, क्योंकि देखिए भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है भाई, चीजों को मेंटेन करना, डस्टबिन दिया गया है कचरा भाई डस्टबिन में डाला जाए, बिल्कुल ऑब्वियसली रेलवे को आप हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, अगर जो रेलवे का स्टाफ नहीं करा वो अलग बात है, लेकिन आप ही गंदा करेंगे तो फिर वो फायदा नहीं है, मैं तो कहूंगा भाई नई चीज है तो उसको अच्छे से मेंटेन करके रखे बिल्कुल, बाकी ठीक है अभी तो रन 130 मारेगा इसके लिए थोड़ा सा निकले, 130 का रन देखेंगे गरीब रथ में, फर्स्ट LHB रन कर रहे हैं और 130 अफसोस ये हो रहा है ICF 130 भाई, हाँ वो लग था वो बंद हो गया यार, देखो वो एक लग मतलब फील था उसका, फाइनली देख लो भाई हमने 130 अचीव कर लिया, क्या ताबड़तोड़ रफ्तार चल रही है, LHB देखो पता भी नहीं लगता, स्मूथ लगती है, और ये जो आवाज आ रही है ना क्योंकि वो गेट ओपन है उधर वाला, इसलिए आवाज आ रही, नहीं तो जबरदस्त मजा आ गया।
कि अब बात कर लेते इस ट्रेन की कुछ इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि फेयर। अगर आपके मन में होगा कि भाई इसको LHB कोच मिल गए, नए कोच मिल गए, तो क्या फेयर बढ़ा है? जी नहीं, फेयर उतना ही रहेगा। लगभग एंड टू एंड अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कितना, 1150 के करीब? हाँ, लगभग 1150 के करीब। अगर आप पटना जाएंगे तो अंकल आपने कितना पे किया? 920 वही 950 मान लो रफली आइडिया। दीजिए एक पिलो कवर, धन्यवाद। ये लो अंकल आप एक पिलो कवर अपना अपना ले लो। तो भाई आपको मैं बता दूं, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो बेडिंग भी मिलेगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की भाई गाड़ी है। अच्छा जी, पिलो कवर बिल्कुल साफ सुथरा है। चिल्ड में बेच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। बेडिंग फ्री है भाई, मैं बता दूं। कुकर, वाह भाई, डब्बे कुकर सब है भाई। एक मैसेज देना चाहूंगा शशांक, सबके सामने, इनके सामने बोल रहा हूँ भाई के सामने, पूरा मानते तो कोई टेंशन नहीं, बट लगेज कम से कम कैरी करें भाई, है ना। गाड़ी में ना जितने बंदे हैं उससे ज्यादा लगेज दिख रहा है, हर जगह भाई पूरा भरा। हमारे को नीचे जगह नहीं मिली, हमने तो भाई अपनी सीट पे रख दिया। एक एक बैग है, एक एक बैग लेकर जाना चाहिए, बेटर है। एक एक ट्रॉली ठीक है और एक छोटा बैग ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ गट्टे लोग लेकर जा रहे हैं भाई। अगर हम बायर अगर हम ट्रैवल करेंगे तो बायर तो अपने को एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है ना भाई। तो मैं तो कहूंगा भाई रेलवे को कोई नियम बनाना चाहिए, इतना ही लगेज अलाउड करे ना भाई, सही बात है, अदरवाइज फाइन ठोकना चाहिए। तो भाई फाइनली हम खुर्जा स्किप करने वाले हैं फ्लैट 130 पे। ओहो, क्या बात है, पावर तोड़ गरीब रथ, फुल पावर। जबरदस्त, अभी ट्रैक साउंड सुन रहा आप, अभी सुनना ट्रैक साउंड, सुनना मेन तो ट्रैक साउंड अभी है। ये देखो, हाय 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 भाई साहब, क्या ताबड़तोड़ स्किप मारा 130 खुर्जा में। और हम ना दो तीन जाने थे इसलिए सेफ्टी से करना होता ना, तो मैंने आपको थोड़ा उल्टे डायरेक्शन से दिखाया, लेकिन मजा आ गया। कैसे भाई, मजा आया? बहुत मजा आ गया, है ना। आपने ऐसे देखा पहले? देखे इतना नहीं देखा होगा, इतना नहीं देखा मैंने, नहीं देखा ना भाई, पूरा फुल एक्शन में चल रही है गरीब रथ हमारी। LHB है, मजा हिलती भी कम नहीं, ज्यादा हिलती नहीं। बाकी आपको ना इस गाड़ी में साइड पेंट्री देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप पानी, कोल्ड ड्रिंक और खाना पीना। साइड पेंट्री है, वही कह रहा मैं, खाने पीने की भी चीजें मिल जाएंगी ना, सब मिलेगा भाई, तो कोई टेंशन नहीं है। भाई इस गाड़ी के वॉशरूम के अंदर आ गया मैं, सामने मिरर है, ठीक है, मिरर यहाँ से थोड़ा सा गंदा ही है, और इधर देख लो ये होगा टैप, फुट ऑपरेटेड है, पानी इसमें आ रहा है, बट यहाँ देख लो भाई कितना पानी, और नीचे भाई पूरा गंदा हो चुका है इधर तो देख लो। अभी अलीगढ़ भी नहीं आया जस्ट, और उससे पहले की ये कंडीशन है। सोप इसमें देखो, सोप भाई पहले दिन ही है, सोप भी नहीं रखा हुआ इसमें, लो जी कर लो बात भाई। यार गरीब रथ आए नो, बट ऐसा तो ना करो, एटलीस्ट सोप तो डालो इसमें यार, है ना। लेकिन भाई मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, पहले दिन वॉशरूम की हालत अजीब सी है बिल्कुल, यहाँ पर भाई ऐसा सर एक बना हुआ है। तो भाई यही है आपके सामने, नीचे तो मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फ्लश का यूज करें भाई, जो भी है इससे प्रेस करेंगे भाई। फाइनली अपा पहुंच चुके हैं अलीगढ़ स्टेशन पे, उधर आ रहा है प्लेटफॉर्म। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ में, और आप सोच रहे होंगे कि बैग कैसे टांग लिया, एक्चुअली जर्नी यहीं तक थी, हमारी टिकट तो टूंडलर तक थी, बट मेरे को आपको नया कोच, नई चीजें दिखानी थी, और यहाँ पर अपने सर मौजूद है। सर आपका नेम क्या है? मेरा दीपक भाई। आपका जी? दीपक। आपको आपको कैसा लगा, आप ये बताओ, भी पहला रन था, पहले ICF कोच थे ग्रीन कलर के, अब ये डालेंगे, आपका कैसा लगा? टाइम से हम लोग चल रहे हैं इसमें, और नया रेनोवेशन है, नई सारी चीजें, नई फैसिलिटीज और सारा कोच में नया, बिल्कुल नया दिया गया है, जो साइड अच्छा लगा ना, अच्छा लगा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसका पहले डिपार्चर देते, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल के, फिर वही नंबर ले लिया, ठीक है जी, गाड़ी रुक रहे हो ना, अभी बस निकलेंगे दिल्ली को। हमारी सीट थी, हम उतर गए, फटाफट लंबे पड़ गए, वो देखो वो रे, चलो ठीक है, बाय बाय। फाइनली भाई सिग्नल हो गया है, इसका आपको दिखा देते हैं फटाफट से डिपार्चर। भाई फाइनली अपनी गाड़ी तो निकली है, पूरी AC गाड़ी है, और विदाउट बुकिंग प्लीज आप ना चढ़ें, अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको पालन करना है। वॉशरूम मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे ऐसे था, और सफाई ठीक है, अभी देखते हैं। OBH स्टाफ अभी मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैंने शॉर्ट जर्नी की है, अगर आप जर्नी करेंगे तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, काफी बढ़िया भाई गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। सो बात कर लेते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग, मैं बताना भूल गया था, ये चलती है 5:20 पे, और आपको पहुंचा देगी सुबह 10:50 पे, लगभग 17 घंटे लेती है और 1200 किलोमीटर कवर करती है।
एवरेज स्पीड है इसकी 68 और जो मैक्सिमम है वो 130। भाई ये वीक में कितने दिन चलती है? तीन दिन। कौन कौन से? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अच्छा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बाकी सारे भाई हम यहीं पर उतर गए हैं क्योंकि जर्नी देखो, हमने सिर्फ आपको नई चीज दिखाई थी वो आई। ओवरऑल ठीक था, अलग एक्सपीरियंस था और अच्छी चीज होगी आप सबके लिए। ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया भाई, संभाल के रखें। मैं तो कहूँगा इस चीज को, नई चीज दी है रेलवे ने। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। पसंद आए लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, हम सबको पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और एक चीज ये कमेंट करके बताइएगा, आपको ग्रीन वाली गरीब अच्छी लगती थी या फिर रेड? ये बता देना। देखो इमोशन, इमोशन भी जुड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी यहाँ से संपूर्ण क्रांति जाएगी। वीडियो को यहीं पर रखते हैं, एंड में उसका ओवरटेक था क्या रहेगा, क्रॉसिंग नहीं यार, स्किप उसके यार, ये दिमाग नहीं चल रहा हमारा। तेज रफ्तार में स्किप एंजॉय करो। टेक केयर बाय बाय, जय हिंद। देख लो भाई, ताबड़तोड़ जो गाड़ी आ रही है वो आ रही है संपूर्ण क्रांति, तो उसी का वेट था भाई। अच्छा बात है भाई, देख लो भाई, डबल येलो है फिर भी रफ्तार देखो आप। संपूर्ण क्रांति आम जनता की राजधानी भाई, गरीब रथ के बाद इसी का नंबर आता है भाई। खचा खच पैक, स्लीपर देख लो भाई, खचा खच पैक। ओ हो, जबरदस्त पैक देखो आप, ये देखो 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 कितना पैक है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, चलिए बाय बाय, टेक केयर।